देखो बिहार सरकार ये तो धोती दलील की सरकार है, और ये लोगों को अफवाह फैला फैला करके और वो रोजगार क्या दे रहे, वो हथियार दे रहे हैं। ये रोजगार बिहार सरकार रोजगार नहीं, युवाओं को रोजगार देने का जिस प्रकार से भारत सरकार काम कर रही है, मुझे दुख है कि मैं बिहार का हूँ, लेकिन बिहार की एक गूंगी बहरी सरकार युवाओं को हथियार फिर से हथियार देने के लिए विवश किया है, और जो कलम से लिखते थे अब वो लाठी पकड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। ये लाठी और तंत्र की सरकार है, इसलिए आज पूरे बिहार में क्या हो रहा है ये किसी से छिपी हुई नहीं। सर, प्रधानमंत्री ने यूपी की बात बताई कि यूपी में पहले था क्या था और अब क्या हुआ है। तेजस्वी यादव ने कहा कि यूपी में अभी सिर्फ मंदिर मस्जिद हो रहा है, बुलडोजर हो रहा है, और वहाँ के युवा तो यहाँ आकर के शिक्षक नियुक्ति में शामिल हो रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं। देखो जी, शिक्षक नियुक्ति में शामिल हो रहे हैं, बिहार का हक मार रहे हो, बिहार का हक मार रहे हो, बिहार के बेटे बेटियां कहाँ जाएंगे, और कहते हो बड़ा तीर मार रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के लोग आ रहे हैं, देश के लोग आ रहे हैं, अच्छी बात है आएंगे, हम संवैधानिक रूप से हम सबको चाहते हैं, लेकिन बिहार के लिए स्पेशल जो आपको उसमें नियुक्ति में छूट देनी चाहिए थी, बिहार के युवक और युवती अधिक से अधिक संख्या में उसमें कैसे रोजगार पाते, इसका आपने ध्यान ही नहीं रखा, और कहते हो कि आज हम यूपी से बाहर है, यूपी से ज्यादा है, यूपी में मंदिर और मस्जिद है, अरे यूपी में भव्य श्री राम का मंदिर है, जनवरी में बन उद्घाटन, रामलला जो कैद थे अब रामलला का भव्य मंदिर बन रहा, ये तो देश के लिए सौभाग्य की बात है। कहाँ हो विपक्ष ये कह रहे हैं कि 2 करोड़ नौकरी की बात थी, 10 लाख में ही दमपुर रेल केंद्र का, ऐसा जो प्रधानमंत्री जी ने कहा उसको हमने 9 साल में करके दिखाया, और उससे ज्यादा करके दिखाया, और आगे भी ज्यादा करके दिखाएंगे। इसलिए विपक्ष जो हमारे हैं, ये जो विपक्ष के लोग जो हवा खड़ा कर रहे हैं, इनको पता नहीं इन्होंने कभी कितना बांटा क्या नहीं बांटा, वो अलग बात है, लेकिन विपक्ष का जो हौसला है वो पस्त हो जाएगा, और विपक्ष राजनीति जिस प्रकार की कर रही है, इनकी राजनीति पूरे राष्ट्र के लिए एक कहा जाए अभिशाप हो। सर महाराष्ट्र में मीटिंग, महाराष्ट्र में साफ हो जाइएगा। सर महाराष्ट्र कुमार का बयान आया कि 24 में आप लोग साफ हो जाइएगा। भाई छोड़ो, ये कुर्सी कुमार बोल रहे हैं ना, ये कुर्सी कुमार, वो कुर्सी लेकर के चले जाए बंगलोर, अब वहां से फूफा जी आ गए वापस, मंडप जल गया, दूल्हा का कोई ठिकाना नहीं, और अभी जाएंगे बम्बई दूल्हा बनने के लिए, आएंगे वहां से मुंह टेढ़ा करके।